हेलो टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। सो एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करें 2019 की, तो एसएससी का कैलेंडर भी रिलीज हो गया है, आईबीपीएस का कैलेंडर भी रिलीज हो गया है। टीचिंग एग्जाम्स में अगर हम सबसे बड़े एग्जाम की बात करें, सीटेट, उसकी भी डेट आ गई है कि 7 जुलाई इज द एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की तरफ आए, तो हमें पता है कि एफकैट का एग्जाम फरवरी में ही है, आईबी का एग्जाम फरवरी में ही है, सीडीएस का एग्जाम भी फरवरी में है। और इसके अलावा एक नया सेक्टर, नया इसलिए हम कहेंगे क्योंकि पहले बहुत ही कम वैकेंसीज आती थी, बट इस साल या लास्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई है, दैट इज द रेलवेज। और रेलवेज का सबसे बड़ा एग्जाम आफ्टर एएलपी इज जेई। तो ये सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो विजिबल है। तो अब एज अ एस्पिरेंट आपकी एक रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि सर हमें कॉन्टेंट कहाँ मिलेगा, एंड दैट टू सर हमें फ्री कॉन्टेंट कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाए, या अगर कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसके लिए कहाँ जाए, पेपर पैटर्न स्टडी करना है या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या कट ऑफ चाहिए, इन सबके लिए कहाँ जाए। तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, आप adder247.com पे जाएंगे। बट जब आप adder247 को देखते हो, यस वी आर ऐप, वी आर यूट्यूब चैनल, इसके अलावा देर आर मेनी ब्लॉग्स और वेबसाइट्स जो adder247.com का पार्ट है, bankers.adder.com, ssc.adder.com, teachers.adder.co.in, defense.adder247.com एंड currentaffairs.adder247.com। ये सारे वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें हम दे रहे हैं एज एस्पिरेंट्स, और इन्हीं पे हम लॉन्च करते हैं हमारे स्टडी प्लान। तो आज मेरे साथ हैं इन सबकी टीम्स जो कि आपको बताएंगी कि हमने बैंक के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, सीटेट के लिए, डिफेंस के लिए क्या क्या फ्री स्टडी प्लान्स, फ्री कंटेंट लॉन्च करा हुआ है और वो कहाँ पे अवेलेबल होगा। तो चलिए मिलते हैं विद फर्स्ट ऑफ ऑल दी एसएससी एंड द रेलवे टीम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने भी आपको बताया कि इस साल जो है आरआरबी जेईई जो है आया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हम आपको बताएंगे जो है हम ssc.com पे इसका फ्री स्टडी प्लान, 60 डेज स्टडी प्लान हमने लॉन्च कर दिया है। तो इसका स्टडी प्लान जो हमने लॉन्च किया है ये 28 जैन से हमने लॉन्च किया है और ये 60 डेज का स्टडी प्लान है। हम आपको दिखाएं तो ये जो है हमारा स्टडी प्लान है जो कि डे वाइज जो है हमारा स्टडी प्लान चलेगा, और जो है डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट्स का जो है हमने अलग अलग क्विज जो है हम इसको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें जो है टोटल वैकेंसी है 13487 और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 31 जैन। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि जो हमने स्टडी प्लान 28 जैन से स्टार्ट किया है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए है, और इनका जो एग्जाम डेट है मैम टेंटेटिव अप्रैल और मई में। तो जो है ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, और बात बाकी एसएससी के बारे में मैम बताएंगे, एसएससी में जो कैलेंडर आ गया उसके रिगार्डिंग मैम बताइए एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने बताया रेलवे के बारे में, सो एसएससी का कैलेंडर अभी 25 जैन को रिलीज हो चुका है जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई सबके एग्जाम डेट्स हैं। आपको पता है एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो 2 फरवरी को आने वाला है, एंड सीजीएल का एग्जाम जो है दैट विल बी हेल्ड इन जून। So, जैसे हमने रेलवे का स्टडी प्लान निकाला है वैसे ही हम एसएससी सीजीएल का भी स्टडी प्लान जल्दी ही निकालेंगे, उसके लिए आप एसएससी अड्डा को फॉलो कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि गोपाल सर ने अभी आपको बताया है कि आईबीपीएस के कैलेंडर रिलीज हो गए हैं और अभी रिसेंटली NIACL AO prelims के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, तो उसके मेंस की तैयारी के लिए हमने bankersadder.com पे स्टडी प्लान रोड टू सक्सेस करके NIACL मेंस के लिए रिलीज किया है। वहां पे आपको फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए क्विजेस मिल जाएंगी। इसी तरह से जो बैंकिंग का सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा एग्जाम है IBPS का, उसका भी कैलेंडर रिलीज हो गया है, तो उसके लिए भी हमने एक स्टडी प्लान रिलीज किया है जिसके बारे में आपको कमल सर बताएंगे। जैसे कि IBPS का स्टडी प्लान 6 मंथ्स का है और हमने सबसे पहले 36 डेज का स्टडी प्लान लॉन्च किया है जो 24 जनवरी से 28 फरवरी तक ये प्लान चलेगी और चल रही है। उसके अलावा NIACL AO के जैसे प्रीलिम्स एग्जाम अब खत्म हुए हैं, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है और वो 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में वो आपके 28 दिन के लिए NIACL मेंस का स्टडी प्लान भी आएगा। उसके अलावा SBI पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि SBI का भी हम जल्द से जल्द आप लोगों को फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आपको स्टडी प्लान कम्प्लीट दे पाए। तो मैम अब टीचर्स अड्डा के बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट की एग्जामिनेशन डेट आ गई है, दैट इज 7th ऑफ जुलाई,
और अगर आप देखें तो अप्रॉक्स 6 मंथ अभी आपके पास है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमने टीचर्स अड्डा पे जो है 6 मंथ के अकॉर्डिंग जो है स्टडी प्लान निकाला है फॉर सीटेट एग्जामिनेशन. इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है सारी क्विजेज और रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है. और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल या स्ट्रैटेजी के आपको सीटेट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सब जो है सीटेट अड्डा पे और सॉरी टीचर्स अड्डा पे अवेलेबल है. एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैम या पूरी टीम ने हमें बता दिया, आप सबको बता दिया है कि जो स्टडी प्लान है वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं. बाय चांस अगर आपको अभी भी नहीं पता है कैसे एक्सेस करना है, आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट. बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी के लिए वी हैव bankazada.com, SSC और रेलवेज की तैयारी के लिए वी हैव ssa.com. ध्यान रखिएगा रेलवेज की तैयारी के लिए भी ssa.com ही है. टीचिंग की तैयारी के लिए वी हैव teachersadda.co.in. डिफेंस की तैयारी के लिए defense.atta247.com, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि FCAT का आज ही एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है और FCAT के लास्ट 10 डेज मतलब इन द कमिंग 10 डेज हम फ्री PDFs रिलीज करने वाले हैं जो कि यूजफुल रहेंगे फॉर FCAT एंड IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम के लिए भी. बाई चांस अगर आपको अभी भी कुछ ना मिले तो यू कैन मेल मी, माई आई डी इज gopal.anand@atta247.com. हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्लीट डिटेल्ड फ्री कॉन्टेंट जो कि अवेलेबल है ऑलरेडी हमारी वेबसाइट्स पे PDFs की फॉर्म में. ये स्टडी प्लान है, डाउनलोड करिए, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं अपने सामने उस टेबल पे लगाइए एंड जस्ट फॉलो atta247.com एंड ऑल दीज ब्लॉक्स. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.